वेलकम टू चैनल स्क्रीन फैंटेसी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रो कबड्डी लीग 2024 का कल का दिन का जो पहला मैच खेले जाएंगे ईपी वर्धा वर्सेस यहाँ पे दबंग दिल्ली के बीच में, तो उसी के बारे में मैच टाइम देख सकते रात 8 बजे मैच स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको उसी हिसाब से एक्टिव रहिएगा। भाई देखो दिल्ली का जो सुपर स्टार रेडर है नवीन कुमार, आप सबको पता होगा कितना बेहतरीन रेडर है, लेकिन उन्होंने पहले मैच भाई सुपर फ्लॉप गए थे और इस मैच में भी फ्लॉप जाने के चांस थोड़ा ज़्यादा ही है। लेकिन क्या वो सच में फ्लॉप जाएंगे या फिर स्मॉली की टीम में क्या वो सही पिक रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, वो तो आपको इस वीडियो में डिटेल्स में बता ही दूंगा। वीडियो को बिना स्किप किए देख लीजिएगा। बाकी ईपीओ 10 की अगर बात की जाए तो इनके तरफ से कौन ऐसा रेडर है भाई जो आपको इस मैच में सुपर 10 लगाते नजर आएंगे या फिर नहीं लगा पाएंगे, वो भी आपको बताऊंगा। और दोनों टीम का क्या स्ट्रेंथ है और दोनों टीम का क्या भाई वीक पॉइंट है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा। बाकी स्मॉली की जो फाइनल टीम रहेंगे वो तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उस लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा। और आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर एक मैच की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस मैच के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं। और आपको पता होगा दिल्ली ऑलरेडी एक मैच खेल चुके हैं, और अगर ईपीओ 10 की बात की जाए तो ये पहला मैच रहेगा इस प्रो कबड्डी लीग का, ठीक है। तो चलो अब हम लोग स्मॉली की टीम आने की कोशिश करते हैं और एक एक खिलाड़ी के बारे में डिस्कस करते हैं। कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे देखो रेडर सेक्शन में जैसे आओगे ना तो यहाँ पर देख सकते हैं नवीन कुमार कितना बेहतरीन और कितना तगड़ा खिलाड़ी भाई, आप सबको पता होगा इनके बारे में बोलने की जरूरत है नहीं। लेकिन भाई जब इनका स्टेट्स देखोगे पिछले मैच की तो भाई आप हैरान हो जाओगे, सिर्फ 20 पॉइंट दे पाए थे और देख सकते सिर्फ एक ही रेड टच भाई। आप क्या इनसे उम्मीद किए थे, किसी ने भी नहीं किया होगा, ठीक है। फ्लॉप कभी कभार चले जाते, बड़े बड़े खिलाड़ी भी फ्लॉप जाते, लेकिन सिर्फ एक रेड टच वो भी नवीन कुमार जैसे खिलाड़ी से, ये तो भाई मतलब बिलीफ से बहुत बाहर है, ठीक है। बाकी देखो अनसक्सेसफुल रेड कितना था आप खुद देख सकते हो भाई 3 बार, तो इन्होंने ज़्यादा रेड के लिए आए भी नहीं थे। और अब एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो पिछले जो साल था ना वो पूरा सीज़न नहीं खेल पाए थे चोट के चलते, तो भाई इसी के चलते शायद उन्होंने अभी तक उस फिटनेस में नहीं आ पाए होंगे जिस फिटनेस के लिए वो जाने जाते, ठीक है ना। तो इस मैच में भी स्मॉली की टीम में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिक नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि भाई उनका दूसरा जो आप रेडर देखोगे आसू मलिक, ये बहुत ही बढ़िया भाई देखो रेडर तो है ही, साथ में कभी कभार ये सब टैकल भी कर लेते, लेकिन मेरे हिसाब से इन पर ज़्यादा रिस्क नहीं लिया जाएंगे, यानी उनको डिफेंडर में नहीं शामिल किए जाएंगे और ये भी भाई थोड़ा दूर ही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई ये मेन रेडर है अभी टीम का, और देख सकते हैं इन्होंने लास्ट मैच में 8 रेड टच भी लिए थे, बोनस भी लिए थे, ठीक है। इनका भी सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल रेड देखोगे तो इनका भी 2 बार थे, ठीक है। बाकी भाई ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है, आप चौथे को कैप्टन डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। भाई देखो यूपी की तरफ से तो बहुत ही शानदार आपको रेडर देख मिलेंगे, भारत उड़ा तो आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे। वहीं पर अगर सुरेंद्र गिल की बात की जाए तो ये भी काफ़ी कमाल का पिक है, और पिछले साल दोनों ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किए थे, ठीक है। और दोनों देखो टीम का मेन रेडर है, देखो नंबर 1 रेडर है भारत, यानी ज़्यादा से ज़्यादा रेडिंग है आपको भारत करते नजर आएंगे, बाकी सुरेंद्र गिल भी आपको जरूर रेडिंग में देखने को मिल जाएंगे। तो आप चाहो तो दोनों को भी लेके जा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सुरेंद्र गिल उतना ज़्यादा पॉइंट नहीं दे पाएंगे इस मैच में। भारत आपके लिए बहुत अच्छा पिक रहेंगे, बहुत ज़्यादा हाइट इनके पास है भाई, तो दूर से ये हैंड टच कर लेते हैं, तो ये आपके पास बहुत अच्छा पिक रहेंगे। चाहो तो आप इनको वाइस कैप्टन और आसू मलिक के कैप्टन देके जा सकते इस मैच में, ठीक है। बाकी देखोगे यहाँ पर एक और खिलाड़ी है भाई, जैसे कि देखो यहाँ पे राजपूत, इनको शायद सब्स्टिट्यूट में यूज़ किए जाएंगे, तो फिलहाल ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगा। ऑलराउंडर सेक्स में जैसे आओगे तो यहाँ पर देख सकते भाई ये मलिक आपके लिए बहुत अच्छा पिक रहेंगे। मेन कम भाई इसका देखो डिपेंडिंग है, तो आप इनको डेफिनेटली ट्राई कर सकते। लास्ट मैच में इन्होंने काफ़ी कमाल का पॉइंट दिए थे, खुद देख सकते 3 सक्सेसफुल टैकल किए थे। चलो आपको दिखा देते हैं, खुद आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर देख सकते 3 सक्सेसफुल टैकल थे, ठीक है। और यहाँ पे 60 पॉइंट मिले थे, 1 सक्सेसफुल टैकल में 20 पॉइंट मिलते। तो भाई देखो जो भी डिफेंडर है ना, अगर उनके पास अच्छे खासा मौका है या फिर वो आपको अच्छे खासा पॉइंट दिला सके 4-5 टैकल, तो आप ऐसे खिलाड़ी को डेफिनेटली क्या भी ट्राई कीजिएगा। जैसे कि मैंने इस प्रो कबड्डी का फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको ग्रैंड लीग जीतना है तो भाई आपका जो फोकस है ना वो डिफेंडर में होना चाहिए। अगर आप रेडर पर फोकस करके जाओगे तो एक तो आप यकीन मानो मैक्सिमम टाइम आप ग्रैंड लीग नहीं जीत पाओगे। अगर आपको ग्रैंड लीग जीतना ही है तो आप जरूर डिफेंडर सेक्शन वाला खिलाड़ी को क्या बेसिक ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो 4-5 टैकल कर देंगे ना तो भाई आप आराम से विन करके चले जाओगे और उस सबसे ज़्यादा पॉइंट दिलाने में सक्सेस हो जाएंगे। सेक्शन में देखो सुमित आपके लिए बहुत अच्छा पिक रहेंगे, ओगेस आपके लिए बहुत अच्छा पिक बनने वाले, आशीष भी तगड़ा पिक रहेंगे। सोहल कुमार का सिलेक्शन थोड़ा कम है, लेकिन इसमें अच्छा अच्छा खासा पॉइंट दिला सकते हैं। हालांकि ये ज़्यादा एडवांस टैकल के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा पॉइंट लीक कर देते, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। और पिछले साल जयपुर के लिए खेल रहे थे, देखते यहाँ पे क्या कर पाते नहीं। अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। बाकी नीचे देखोगे भाई आशू सिंह है, मोस्ट प्रोबली खेलने का मौका नहीं मिलेंगे। आशू सिंह खेलेंगे मोस्ट प्रोबली, देखो आशू सिंह तो डेफिनेटली खेलेंगे और बहुत अच्छा ये डिफेंडर भी है। सिलेक्शन कितना 7%, यानी 7.5% है, तो आप इनको डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। आशू सिंह अगर खेलेंगे मेरे हिसाब से खेलना भी चाहिए, प्लेइंग स्टार्टिंग 7 पे आपको देखने मिल जाएंगे खिलाड़ी, तो आप सोहल कुमार से भी पहले इनको अपनी टीम में कंसीडर कर सकते, ठीक है। विक्रांत भी अच्छे
खिलाड़ी है। बाकी नीचे यहाँ पर देखोगे तो भाई एस देसल ने भी लास्ट मैच में 30 पॉइंट दिए थे, बाकी कोई खास ऑप्शन तो यहाँ पे है नहीं, तो आपको इन्हीं गिनी चुने ऑप्शन में आपको भाई इस मैच में खिलाड़ी को चुनना होगा। बाकी देखो महेंद्र सिंह को आप चाहो तो बैक कर सकते, लेकिन मैक्सिमम चांस फ्लॉप जाएंगे, ठीक है। और वही पर अगर बात करें एन पाउंडर को मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगा। अगर आपको भाई क्रेडिट बचाना है या फिर क्रेडिट सेव करना है तो आप इनको ट्रेन में पिक कर सकते हैं। तो देखो डिफेंडर सेक्शन में यहाँ पर फिलहाल तो भाई सुमित को पिक करूँगा, बाकी हो गए आशीष दोनों मेरे टीम में रहेंगे। आपको पता है कि शॉल कुमार आशु सिंह में से किसी एक को पिक कीजिएगा, ठीक है। दोनों अच्छे डिफेंडर है, आशु सिंह भाई देखो बहुत ही तगड़ा डिफेंडर है, लेकिन शॉल कुमार ज़्यादा एडवांस टैकल के लिए जाएंगे, हो सकता है भाई आपको ज़्यादा पॉइंट भी दे के चले जाए या फिर आपका लॉस भी करा के चले जाए, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग ऑलराउंडर सेक्शन में और रेडर सेक्शन में जाके पिक कर लेते, उसके बाद हम लोग यहाँ पे दोनों में से किसी एक को सोचूंगा। ऑलराउंडर सेक्शन में भाई देखो यहाँ पे ए मालिक आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, फिलहाल तो मैंने पिक कर ही लिया हूँ। और यहाँ पर देखो रेडिंग सेक्शन में यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे आशु मालिक, ठीक है भारत। और यहाँ पर देखो मेरे पास सिर्फ 14 पॉइंट है, ठीक है, यानी क्रेडिट है। और 14 क्रेडिट में आप यहाँ पे सुरेंद्र गिल और नवीन कुमार में से किसी को पिक नहीं कर पाओगे, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नवीन कुमार को आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जिस टाइप की फॉर्म में थे अभी वो फॉर्म देखा नहीं इनसे, ठीक है, तो चाहो तो ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन सुरेंद्र गिल आपके लिए एक अच्छे पिक बन सकते हैं इस मैच में, लेकिन इनको भी आप टीम में पिक नहीं कर पाओगे। तो भाई अगर यहाँ पे देखो ए मालिक को आप ड्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है, आशीष मालिक को, तो इनको ड्रॉप करके आप यहाँ पे महेंद्र सिंह को पिक करोगे तो फिर आपके पास काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट बच जाएगा। 16 क्रेडिट में आप किसी भी खिलाड़ी को पिक कर पाओगे, लेकिन मैं यहाँ पे काम करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो अपनी टीम में यहाँ पे सौल कुमार के नहीं आशीष सिंह के पिक कर रहा हूँ, चलो ठीक है। और यहाँ पर मैं दो रेडर के साथ जा रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने अपने टीम के लिए मेन जो रेडर है जो मैक्सिमम रेडिंग के लिए जाएंगे उसी खिलाड़ी को पिक किया हूँ। लेकिन सुरेंद्र गिल मेरे हिसाब से अच्छे पिक बन सकते हैं, नवीन कुमार तो कभी भी अच्छे पिक बन सकते हैं, आपको पता होगा कितना कमाल का ए रेडर है, ठीक है। फिलहाल मैं पिक नहीं कर पा रहा हूँ दोनों में से किसी को भी, क्योंकि मेरे पास हाफ क्रेडिट की प्रॉब्लम आ रहे थे, आपने देख ही लिया होगा। कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए ना तो यहाँ पर देखो आशीष को बना सकते हैं, ओगेस को मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करूँगा, लेकिन सुमित और यहाँ पे आशीष सिंह को डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, स्पेशली सुमित को। वहीं पे अगर आशीष मलिक की बात की जाए तो बहुत अच्छा पिक रहेंगे, डेफिनेटली वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन ट्राई कर सकते इसको, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से इस मैच में ये दोनों अच्छे पिक रहेंगे, ठीक है। एक तो भाई आशु मलिक आपको मेन रेडियर की काम करके देंगे दिल्ली की तरफ से, वहीं पर अगर यूपी की तरफ से मेन रेडियर की बात की जाए तो भारत ही रहेंगे, ठीक है। अगर भारत का फॉर्म भाई सही नहीं चला तो फिर सुरेंद्र गिल भी आपके लिए काफ़ी कमाल का पिक बन सकते हैं। सारे खिलाड़ी को अगर अपनी टीम में पिक करोगे तो फिर आपके पास हाफ क्रेडिट पॉइंट की प्रॉब्लम आ जाएंगे और आप सुरेंद्र गिल को पिक नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपके पास भाई पॉइंट मतलब क्रेडिट की कोई प्रॉब्लम ना आए तो आप उनको पिक कर लीजिएगा। फिलहाल मैंने अपनी टीम में कैप्टनसी आशु मलिक को दिया, वाइस कैप्टनसी भारत को दिया हूँ। आप चाहो तो चेंज करके किसी और को भी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता दी कि अगर आपको ग्रैंड लीग जीतना है तो डिफेंडर सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। स्मॉल लीग खेल के लाखों में ही नहीं करना है तो बूम इलेवन एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन में भाई ना तो TDS लगेंगे और ना ही भाई यहाँ पर कोई GST लगेंगे, यानी 100% GST और TDS फ्री एप्लीकेशन है। 2 मिनट के अंदर आपके इंस्टॉल विंटर मिल जाएंगे। इस एप्लीकेशन के लिंक आप किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, उस लिंक से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर डिफेंडर सेक्शन में 4 खिलाड़ी को पिक किया हूँ, सुमित को, आशु सिंह को और यहाँ पे आशीष के साथ ओगेस को भी जगह दिया हूँ। बाकी देखो ऑलराउंडर सेक्शन में आशीष मलिक को पिक किया हूँ, वहीं पर अगर रेडर की बात की जाए तो मैंने यहाँ पे आशु मलिक और भारत को पिक किया हूँ, ठीक है। तो भाई देखो मैंने यहाँ पे दो बड़े खिलाड़ी को ड्रॉप किया हूँ, एक तो नवीन कुमार और दूसरा है सुरेंद्र गिल। उसी के साथ साथ आप चाहो तो महेंद्र सिंह को पिक कर सकते हो ऑलराउंडर सेक्शन में। और अगर आपको भाई दोनों दो डिफेंडर के साथ जाना है तो आप यहाँ पे बिल्कुल जा सकते ओगेस के साथ और यहाँ पे सुमित के साथ, ठीक है। बाकी इन दोनों को भी आप ड्रॉप करके एक्स्ट्रा दो खिलाड़ी के साथ जा सकते हैं, जो मैंने ऑप्शन आपको बता दिया हूँ, ठीक है। 3 से 4 खिलाड़ियों के बारे में बता दें, उन्हीं खिलाड़ी को रोटेशन कीजिएगा, कैप बी सी इंटरचेंज कीजिएगा, फिर देखना GL आप आराम से विन करके जाओगे, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं, तब तक बाय।